हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ भाइयों, ये बना रहा हूँ कि आप मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल से स्ट्रीम कैसे करें। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए कि भाई आप एक यूट्यूब पे बना के डालो कि भाई हम कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह। तो जो भाई मोबाइल से गेम खेलते हैं या मोबाइल से स्ट्रीम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो स्ट्रीम लैब से स्ट्रीम करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से स्ट्रीम लैब डाउनलोड करना है। ये आ गया, तो आपको स्ट्रीम लैब डाउनलोड करना है और स्ट्रीम लैब जब करोगे आप, ये लिखा हुआ है इसमें स्ट्रीम लैब स्ट्रीम लाइव टू ट्विच एंड यूट्यूब, तो इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब इसको हम बाहर आ जाते हैं बिल्कुल। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके ये डिस्प्ले पे आ जाएगा बाहर स्ट्रीम लैब का, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा लोगो है, इसको आप ओपन करोगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ये आपसे दो तीन चीज़ें मांगेगा, मतलब आप लॉगिन करोगे इसे। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने YouTube अकाउंट से इसे लॉगिन करना होगा। इसमें यहाँ अपना YouTube अकाउंट डालोगे, उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब आपका सीन आता है ये ऐसे, ठीक है। इसको आपको करना क्या है कि पासवर्ड डालने के बाद आपका, अब ये स्ट्रीम लैब आपका ओपन हो गया है, इसमें सबसे पहले अलर्ट बॉक्स पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है और हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि डोनेशन बार चैट बॉक्स डोनेशन गोली अभी हमारे ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भाई नए नए हैं उनका अभी ये चालू हुआ नहीं है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट दबाना है। अब नेक्स्ट दबाने के बाद आपको करना क्या है कि आपके स्क्रीन पे क्या क्या आना चाहिए। मेन बात होती है कि भाई आपका मोबाइल नंबर, आपका लोगो वगैरह वगैरह आप कैसे इसमें ऐड करोगे। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको जाना है ये जो तीन आपने डॉट देखे हुए लाइनें, इसमें दबाना है। यहाँ पे आपका एडिटर आ गया। एडिटर में आपका जो आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स में आपको सिंपली करना है कि इस आउटबॉक्स को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा आप करना चाहो तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे तीन ये लाइनें एरो दिख रही है, एरो को दबाना है। यहाँ पे प्लस में जाना है, प्लस का निशान है, और आपको ऐड टेक्स्ट करना है। ऐड टेक्स्ट में टेक्स्ट लेवल में यहाँ आप अपना कुछ भी लिख सकते हो कि पेटीएम, आपने अपना पेटीएम नंबर यहाँ पे डाला। और पेटीएम नंबर आपको डालने के बाद यहाँ पे आप इसमें कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कलर चूज़ करना है तो। जैसे ये है रेड कलर कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। अब इसको आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको आप छोटा बड़ा आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब ये राइट क्लिक यहाँ पे कीजिए, राइट क्लिक करके आप बाहर आ जाएंगे और आप जैसे ही इसे दबाएंगे तो आएगा स्ट्रीम टू मेन चैनल। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है कि आपको स्ट्रीम करने से पहले आपको एक स्क्रीन शॉट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से ये तीन लाइनें दबाओ, प्लस एडिटर में जाओ और यहाँ पे इसे दबाओ, प्लस का निशान है इसे दबा दो और यहाँ पे ऐड स्क्रीन करनी है आपको। तो ऐड स्क्रीन आप जब करोगे तो ये आपको पूरा ऐसे, ये ऐड स्क्रीन आपकी आ गई है, इसको पूरा आप स्ट्रेच करो और इसको पूरी स्क्रीन पे आप ले आओ। अब इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक करो, अब ये आपकी स्क्रीन ऐड हो चुकी है। तो स्क्रीन ऐड आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप ऐसे इसे करो स्टार्ट, यहाँ पे आएगा स्ट्रीम टू मेन चैनल। तो इसे आप जैसे ही दबाओगे आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब इससे पहले एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब इसको यहाँ से बंद करते हैं हम, ये स्ट्रीम लैब का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपको खोलना है यूट्यूब, आप लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं, अपने पीसी पे भी खोल सकते हैं। तो इसमें यूट्यूब में किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइटल हैशटैग वगैरह जो ऐड करने हैं
वो आप कैसे करोगे, टाइटल, हैश टैग, जितने भी आपको ऐड करने हैं वो आप कहाँ से करोगे। तो आपको खोलना है सिंपली यूट्यूब, आपने यहाँ पे यूट्यूब खोला है, राइट हैंड साइड में आपका ये यहाँ पे अकाउंट की डिटेल होती है, आप जाओगे यूट्यूब स्टूडियो में। आप यूट्यूब स्टूडियो में आप क्लिक करो तो आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। यहाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे लिखा हुआ है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, ये लिखा हुआ है, देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा। इस पे आप क्लिक करोगे, फिर एक ऑप्शन आएंगे ये थैंक्स फॉर यूजिंग यूट्यूब स्टूडियो बेटा, इसको आप स्किप कर दो, इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये आपने स्किप कर दिया। इसके बाद आपका ये यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जाना है लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम में आप जाओगे तो लाइव स्ट्रीम जब आप करोगे तो आपके लाइव स्ट्रीम में क्या टाइटल होना चाहिए, क्या टैग्स होने चाहिए, वो सारा आप यहां से ऐड कर सकते हो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन में जाके आप अपना टाइटल भी, आप स्ट्रीम पे टाइटल क्या दोगे और टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। स्ट्रीम ऑप्शन जिसमें आप टैग वगैरह डालते हो वो है स्ट्रीम ऑप्शन में जाके, और आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आना है। तो एडवांस सेटिंग में आप आने के बाद यहाँ पे एक सेकंड, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, और यहाँ पे आते बेसिक में, बेसिक इन्फो में। यहाँ पे आप ये नीचे जो मैंने डाला हुआ है PUBG मोबाइल क्राटोस वगैरह, तो यहाँ पे आप हैशटैग डाल सकते हो, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, आपकी डिस्कॉर्ड का लिंक हो गया, आपका इंस्टा, ईमेल वगैरह सारे लिंक यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों यही है सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सेट करने के बाद आप सीधे फ़ोन में जाओ, फ़ोन में आप स्ट्रीमलैब ओपन करो, सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ से सीधे आप जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ये देखो ये आपका यहाँ पे दिखाएगा लॉगिन होता हुआ, गोइंग लाइव आ रहा है, ओके अब हम लाइव हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो आप देख रहे होगे कि अब हम लाइव आ चुके हैं। तो ये सिंपल था बस, और कुछ नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।